ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि माता सीता अश्वमेध यज्ञ में प्रेजेंट हुई थी। अभी तक आपने ये देखा था कि अश्वमेध यज्ञ के वक्त माता सीता का सोने का पुतला बनाया गया था। यह भी हकीकत है, माता सीता का सोने का पुतला बनाया गया था और यज्ञ में बिठाया गया था। पर लक्ष्मण जी माता सीता को बुलाने गए थे तो माता सीता ने कहा था कि लक्ष्मण, मुझे श्री रामचंद्र जी ने त्याग दिया है, अतः अब मैं कैसे चल सकती हूँ, मैं यहीं रहकर श्री राम का स्मरण किया करूँगी। तो बड़े इमोशनल सुनकर बड़े इमोशनल हो गए लक्ष्मण जी और बोले कि माता, आप पतिव्रता हैं, श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पति परायणा स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए आप रथ पर बैठकर मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। तो लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर सीता सभी तपस्विनी स्त्रियों तथा मुनियों को प्रणाम करके मणिमन श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए रथ पर बैठ गई थी और नगर में पहुंचकर वे सरयू तट पर पहुंची और वहां पर श्री रामचंद्र जी के चरणों को उन्होंने पकड़ लिया था। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यज्ञ मैं आपके साथ ही समापन करना चाहता हूं। उसके बाद सीता महर्षि वाल्मीकि तथा अन्य ऋषियों को प्रणाम करके, माताओं के चरणों में प्रणाम करके उन सबके पास पहुंचती है। सभी देखकर माता सीता को खुश होते हैं और सीता सभी माताओं को प्रणाम करती है, उनका आशीर्वाद लेती है। सीता माता को आता है देखकर महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उसकी जगह फिर उनको बिठाया। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछकर सभी महर्षियों तथा ब्राह्मणों की पूजा की और रत्न और स्वर्णों का भार दक्षिणा में देकर सबको संतुष्ट किया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी सीता के साथ अश्वमेध यज्ञ को कंप्लीट किए। तो अभी तक के शास्त्रों में ये लिखा हुआ था कि माता सीता अश्वमेध यज्ञ में नहीं आई थी, पर हकीकत ये है कि माता सीता अश्वमेध यज्ञ में आई थी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो और अपने चैनल को अपना समझें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।